कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने आज महात्मा गांधी की मूर्ति पे फूल अर्पण कर उनकी पुण्यतिथि को मनाया। आज कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ थे और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने की नसीहत भी दी। और महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। हमारा देश ने विश्व महात्मा गांधी का जो रास्ता दिखाया था अहिंसा का, उस पर चलकर आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। सही महीनों में देश को रास्ता दिखाने वाले, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले बापू जी ने देश में जो हमें अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए कहा, उस पर चलकर ना जाने कितनी बड़ी बड़ी सरकारों को लोगों ने झुकाने का काम किया। और जिसका ताज़ा उदाहरण आपने देखा, किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन गांधीवादी तरीके से चल के सरकार को झुकाने का उन्होंने काम किया। ऐसे नेता जो देश की आज़ादी से लेकर देश को एक विश्व को एक राष्ट्र में आज राहुल गांधी की जो पद यात्रा थी उसका समापन, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश में बने नफरत के माहौल के खिलाफ, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कन्याकुमारी से 7 सितंबर को यात्रा शुरू की थी और आज कश्मीर में उसका समापन हुआ। न केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बल्कि जहाँ से यात्रा गुजरी इस देश की जनता ने उनका भरपूर सहयोग किया, भरपूर स्वागत किया। और हमें लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से वो अपने प्रयास में सफल। जो ये यात्रा थी, इससे हरियाणा की सियासत में कांग्रेस को कितना फ़ायदा मिलेगा? जहाँ तक बात यात्रा की है, यात्रा राहुल गांधी जी ने देश में नफरत के खिलाफ की थी, देश में जो हमारे संविधान और प्रजातंत्र को कमज़ोर करने की साजिशें हैं उनके खिलाफ की थी और उसमें पूरी तरह से सफल रहे। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा प्रदेश की गठबंधन की सरकार तो पूरी तरह से आज विफल है। लोग बदलाव चाहते हैं और विकल्प केवल कांग्रेस पार्टी। मंत्री जी, 14 महीने रह चुके हैं कांग्रेस की, अब लोकसभा के इलेक्शन, किस प्रकार से तैयारियाँ रहेंगी? कांग्रेस लगातार तैयारी में है और अभी हमारा 1 फरवरी से हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम चलेगा, जिसके तहत हम हर मतदाता तक, हर घर तक पहुंचकर जहां अपनी पार्टी की नीतियां बताएंगे, वहीं इस सरकार की बाकायदगियों पर उजागर करने का काम। थानेसर नगर परिषद के अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? थानेसर नगर परिषद के चुनाव ना होना बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ पर चुनाव क्यों है और प्रजातंत्र में चुनाव ज़रूरी है। और जहाँ तक कुरुक्षेत्र नगर परिषद की बात करें, कुरुक्षेत्र नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और मैं कहूँगा जल्दी इसके चुनाव कराकर इस भ्रष्टाचार से लोगों को छुटकारा।